तो इश्क में मजावा 2 में रिवील होने वाला है वंश और व्योम का डार्क सीक्रेट। आइए जानने के लिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिवांशी और आप देख रहे हैं सिने स्पीक्स। और चलिए लेते हैं आपको इश्क में मजावा 2 से रिलेटेड कुछ बड़े अपडेट। तो जैसा कि आप जानते हैं, वंश और व्योम इनका एक डार्क पास्ट है, कुछ इनका पास्ट है, और ये जो पास्ट है अब ये रिवील होने वाला है। हमने आपको पहले भी बताया था कि वंश और व्योम जो थे पहले दोस्त होते थे, पर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से व्योम जो है एकदम वंश के अगेंस्ट हो गया था, और व्योम जो है उसने कहा था कि अब वो वंश की बर्बादी चाहता है। रिद्धिमा को तो यही लगता था कि व्योम जो है वंश की बर्बादी इसलिए चाहते हैं क्योंकि व्योम को जो है सारा पैसा चाहिए वंश का, इसलिए वो टियर ऑफ लैला, ब्लैक बॉक्स वगैरह के पीछे था। रिद्धिमा को लगता था कि ये जो व्योम है वो सिर्फ पैसों का लालची है, पर पैसा ही नहीं है इधर सिर्फ, व्योम जो है वो और भी किसी चीज के लिए वंश को ब्लेम करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ अपडेट्स के अकॉर्डिंग। व्योम की जो बीवी है, व्योम उसकी डेथ के लिए वंश को ब्लेम करता है। ये नहीं पता कि व्योम की बीवी की डेथ कैसे हुई थी, बट व्योम जो है अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था एंड अपनी वाइफ की डेथ के लिए वो वंश को ब्लेम करता है। ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा कि उसकी डेथ कैसे हुई थी। और एक और अपडेट आई है, ये कंफर्म नहीं है पर ये अपडेट आई है कि जो हमने आपको बताया था एक 7 से 8 साल की लड़की शूटिंग लोकेशन में देखी गई थी, वो शायद से व्योम की बेटी का ही रोल प्ले करेगी। तो जैसा कि फैंस कह रहे थे कि क्या वो रिद्धिमा और सारा से रिलेटेड है या वो रियांश के बेबी से रिलेटेड है, अभी तक जो जो अपडेट्स आ रही है कि वो जो है वो व्योम की बेटी का रोल प्ले करेगी, और व्योम जो है अपनी बीवी की मौत का रिवेंज लेना चाहता है, इसलिए वो वंश की बर्बादी चाहता है। आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, व्योम क्यों चाहता है वंश की बर्बादी। एंड दैट्स इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया एंड ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।